पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतहावी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये वलीद को ही आर्ट आता है कि वो मेजबान बनकर भी किस किस तरह तकरीरें निकालते हैं बीच में से, और आज खान साहब की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। तो शरियार आफरीदी के बराबर में बैठे हुए हैं जनाब अली मोहम्मद खान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, माई टाइम स्टार्ट नाउ। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, आज है 23 मार्च, करारदादे पाकिस्तान जिस दिन मंजूर हुई थी, और मीनार पाकिस्तान वो जगह थी, हिस्टोरिक जगह जहां पर यह करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, तो वही जगह थी मीनार पाकिस्तान लाहौर 2011। इमरान खान की सरबराई में पूरी कौम ने फैसला किया, 30 अक्टूबर 2011 को सारी कौम वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 23 मार्च 1940 को इस कौम ने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद को मंजूर किया, और आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान को बचाने की करारदाद मंजूर करते हैं, ये वहां पे लोगों ने अहद किया था और पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया था। ये आप सब गवाह हैं कि जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौम का शामिल था, आज वो जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इस कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ वो शामिल है, और इस कौम का नंबर वन मुतालबा क्या है, इमरान खान की रिहाई, इस कौम का नंबर वन मुतालबा है, और वो इसलिए इमरान खान और उनकी एहलिया और जितने भी मसलूम और बेगुनाह खवातीन और हजरात जेलों में कैद है उन सब की रिहाई इस कौम का नंबर वन मुतालबा इसलिए है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इसी लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बल्ला बंद, इंतखाबी निशान बंद, कैंडिडेट बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लेकिन इस कौम का जज्बा बुलंद, इमरान खान, इस कौम के नौजवान 70% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, और उन्होंने साबित किया कि हम एक जिंदा कौम है, एक जागती हुई कौम है, और यही बहुत बड़ी एक हमारा हासिल है, हमारी जीत है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा, और एक बात, इमरान खान ने हम जैसे 1996 में जब मैं उनके साथ आया, 1996 में, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मैं छोटा हूं ना छोटा, मैं बहुत छोटा था, यहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा कोई भी समझ सकता है, लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी, हम इस कॉर्नर इतने ही लोग थे शायद, एक मीटिंग में थे, एक बात की उस कॉर्नर मीटिंग में इमरान खान ने, वादा किया था अपनी कौम से, आप जरा मुझे अपनी तालियों की गूंज में बताएंगे कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं, और वो वादा था, एक सेकेंड, वादा सुने आपने फिर बताना है कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। इमरान खान ने एक वादा किया अपनी कौम से कि ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी के सामने कभी झुकेगा, और ना ही अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा। इमरान खान, जय पाकिस्तान,
इमरान खान ने ये बात क्यों की थी और वादा कैसे पूरा किया? इमरान खान ने वो वादा पूरा किया इस कौम की खुद मुख्तारी को, इज्जत नफ्स को बहाल करके। पूछे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो किस तरह बैरून मुल्क को अपना सर फकर से बुलंद करके चलते थे, सेल्फ स्टीम बहाल की, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को इमरान खान ने बहाल किया। और उन्हीं के बारे में अलामा इकबाल ने फरमाया था कि तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये है वो इमरान खान, ये है वो इमरान खान जिन्होंने इस कौम से ये वादा किया और पूरा करके दिखाया। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है और अल्लाह से ये दुआ है और ऐसा होगा जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहां बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतहावी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जल्द होगा। आखिर में मैं बात अपनी खत्म करके कि आज 23 मार्च पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद कि जिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सही मानों में किलाए कादी आजम का पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी चार बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। नंबर वन, इंसानी हकूक की पासदारी। नंबर टू, हमारे आईन की बालादस्ती। नंबर थ्री, आजाद अदलिया। और नंबर चार, आजादी राय। ये सारे चारों के चारों चैलेंजेस आज भी अपनी जगह कायम है। हमने कौम बनकर इन सबको, इनका अपने इन चैलेंजेस को दूर करना है और पाकिस्तान को सही मानों पे बनाना है, कायदे आजम का पाकिस्तान। आए मिलके अल्लाह से ये दुआ करें। ये शायर ने वलीद इकबाल साहब बड़ी खूबसूरती से इसमें दुआ की है और हम सब मिलके ये दुआ करते हैं। इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूं, सो रस्ते रास आए हैं मुझे, मैं मुसाफिर हूं, सो रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में परवरदिगार आलम तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, वो मेरा इरादा कर दे। कुरान पाक की एक आयत है, अच्छे दिन आते हैं ना, कितने बुरे दिन आए, हम सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बुरे दिन थे, अब थोड़े बेहतर दिन हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भड़क मत मारिएगा। सियासी लोग हैं, भड़के बहुत मारते हैं कि ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम समंदर में कश्ती में थे और साहिबानों ने चारों तरफ से आ घेरा और तुम पे मुसीबत आई, तो उस वक्त तुमने सिर्फ अल्लाह को याद किया। और जब मैंने तुम्हें खुशकी पे पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारी मुसीबत तुमसे हटा दी, तो तुम अल्लाह को भूल गए। और दर हकीकत इंसान बड़ा ना शुक्रा है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं।
कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।